नमस्कार दोस्तों, बाजार विश्लेषक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में समझेंगे और साथ में ईटी मनी के एक एडवर्टाइजमेंट जिसमें 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम की बात की जाती है उसके बारे में भी हम समझेंगे, यानी ऊपर की कमाई का करवा सच आपके सामने मैं रखूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे कई वीडियो देखा होगा जिसमें एक कैलकुलेशन दिखाया जाता है कि 1000 या 2000 रुपए की SIP 30 से 35 साल यदि आप चलाते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं, यानी महज 4 से 5 लाख रुपए निवेश करके आप करोड़पति बन सकते हैं अगर प्लानिंग सही है तो। यही इस इंडस्ट्री की खास बात है। तो क्या सभी करोड़पति बन जाते हैं? जवाब होगा नहीं। आपके सामने एम्फी का एक डेटा है जिसे एम्फी ने 31 दिसंबर 2018 को रिलीज किया है। इस डेटा से हमें सिर्फ एक चीज समझना है कि कितने परसेंट लोग 25 साल तक अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में रखते हैं। ध्यान देकर समझिएगा इस चीज को। सिर्फ 30% लोग हैं जो कि अपना पैसा SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट, जैसे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो उस पैसे को कंटिन्यू कर रहे हैं 2 साल से ज़्यादा। 2 साल से ऊपर का डेटा एम्फी ने शेयर ही नहीं किया। हालांकि इस डेटा को भी हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अगर 2 साल 3 साल में ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेती है पब्लिक तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए आगे हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। हम एक आंकलन करते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स सिर्फ 30% जनता ही मार्केट में बनी रहती है। 3 साल के बाद, चूंकि मार्केट में ELSS भी खूब बिकता है, तो 3 साल के लिए जिनका पैसा ब्लॉक था ELSS में वो भी बाहर निकलेंगे। तो आफ्टर 3 ईयर्स मेरा मानना है कि सिर्फ 10% जनता बची रहेगी। आफ्टर 4 ईयर ये फिगर 5% तक आ जाएगा और आफ्टर 5 ईयर ये फिगर 2% तक टच कर सकता। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 25 साल कितनी परसेंट जनता मार्केट में बनी रहेगी। तो मेरे अनुमान के मुताबिक 0.5% जनता बची रहेगी। हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये 1.5% प्लस माइनस हो जाए। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वहाँ 1-2% से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये ऐड तो आपने देखा ही होगा टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, ऊपर की कमाई। तो अब ये 25 साल में इन्होंने ऐड में दिखाया है कि 25 साल में 25 लाख 50 साल में दिखा लो। अब 25 साल तक तो सिर्फ 0.5% जनता ही रहती है, तो 0.5% जनता के लिए आप दिखा रहे हैं कि 25 साल में 25 लाख आप 50 लाख दिखा लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 98% जो जनता है वो 4, 5, 6 सालों के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेती है, तो उनके लिए इस 25 लाख का क्या मतलब बन के रह जाता है। इस एड को ईटी मनी कुछ दूसरे अंदाज में दिखाए तो क्या आप डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए, SIP 7200 रुपये का अगर पर मंथ करते हैं तो 1 साल में कमीशन बचेगा 604 रुपये। ध्यान से समझिएगा, 0.7% यहाँ कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है वो मैंने यहाँ एज ए स्टैंडर्ड रखा हुआ है, एज ए एवरेज कमीशन रेट। तो ये मान के चलें कि 7200 रुपये का SIP अगर आप पर मंथ करते हैं तो 1 साल में कमीशन 604 रुपये आप बचाएंगे। यही SIP अगर 5000 रुपये का करते हैं तो 1 साल में कमीशन आप बचाएंगे 420 रुपये। 3000 के SIP पे 1 साल में आप कमीशन बचाएंगे 252 रुपये। 1000 के SIP पे 1 साल में आपका कमीशन बचेगा 84 रुपीस। अब आप समझिए कि ये सच्चाई है जो कि आपके सामने है, क्योंकि मैक्सिमम जनता तो 2 साल में ही बाहर हो जाती है। तो ये एक एक साल पे मैंने कैलकुलेट किया, हम डबल कर लीजिए। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो कि एडवाइज़र आपको देता है वो चाहिए या आपको कमीशन बचाना है। तो एडवाइज़र हमें क्या गलत फैसले लेने से रोकेंगे? जी हाँ, गलत फैसले के अलावा एसेट एलोकेशन, फंड सेलेक्शन में भी आपकी मदद करते हैं ये एडवाइज़र। यहाँ मैंने 2 प्लेटफॉर्म बनाए, प्लेटफॉर्म ए जो कि 6 साल से नीचे का जो टेन्योर है, जो पीरियड है 6 साल के नीचे का, तो उसको मैंने प्लेटफॉर्म ए माना है। उसमें प्लेटफॉर्म ए में 98% जनता है, यानी वो रेस से तो पहले ही बाहर हो जा रहे हैं। करोड़पति कौन बनता है? जो 25 साल 30 साल 35 साल मार्केट में बना रहेगा वही करोड़पति बनेगा। यानी प्लेटफॉर्म ए वो जनता है जो कि 6 साल के अंदर ही इस मार्केट से बाहर हो जा रही है।
प्लेटफॉर्म बी में मैंने 25 साल के एबव जो रहते हैं, 25 साल तक बने रहते हैं उनको रखा है, जिसका परसेंटेज सिर्फ 0.5% है। तो यानी प्लेटफॉर्म ए पे जो 98% जनता है, उन्हें क्या 25 लाख का नुकसान हुआ? क्या उन्होंने 25 लाख कमाए? नहीं। तो प्लेटफॉर्म ए की जनता के लिए 25 लाख का कोई मतलब यहाँ नहीं है। अब रही बात प्लेटफॉर्म बी के जनता के लिए, तो प्लेटफॉर्म बी के जनता जो कि करोड़ों रुपए इस मार्केट से कमा चुके हैं, उनके लिए 0.5% या 1% कमीशन कोई मायने नहीं रखता। ये मेरा ओपिनियन है। यकीन मानिए, जिस दिन आप प्लेटफॉर्म बी पे पहुंच गए, उस दिन आप अपने एडवाइज़र को याद करेंगे और उसे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, वो भी दिल से बोलेंगे, क्योंकि जिसने आपको वहाँ तक रोक के रखा। क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस मार्केट में 25-30 साल बने रहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।